भगवान उसका बंद किया। अब राधा रानी भैया और बाल बाल बोले प्रभु आपको बहुत अच्छा लग गई बराबर, तो इसको पाप उठाओ। तो भगवान ने यहाँ आकर के अपना मुंडन कराया, मतलब भज्जू चलवाया और सबके साथ मिल करके उसका उद्यापन किया, प्रसाद बांटा है तो खाया है। और जब भगवान यहाँ के भद्रधारी नाम इसका भद्रवन नाम पड़ गया। अरे बोल भद्रवन की जय। ये भगवान का भद्र भगवान भैया, तो ये भद्रवन धाम है। अरे बोल, तो यहाँ का प्रसाद भी लेना आज जरूरी है। तो भगवान ने भद्र करा के प्रसाद बांटा है, प्रसाद बांटा है। ऐसा किस कब दिया भगवान का? ये भगवान का मुंडन हो रहा है श्री कृष्ण का, वो इसीलिए भद्रवन बोलते हैं। भगवान का भद्र पर भद्र हुए ना भगवान, भद्र हुए तो इस जगह का नाम भद्रवन हरी बोल भद्रवन धाम है। कितना उम्र था इनको कृष्णा का? कृष्णा तो ये कृष्णा है, ये वाले कृष्णा ये, और ये नाई है। ओ, और ये बकासुर राकेश परंपरा में, बकासुर राकेश यहाँ पे बधवा बंद हुआ यहाँ से तुम्हारा बंशी वट के सामने जमुना के साथ नाम का नाम भद्रमन रखा। यहाँ तो भगवान ने अपना भद्र हुआ ना, भद्र हुए इसलिए भगवान यहाँ से बकासुर का मारा वध किया बचपन में, और बचपन में वध किया और यहाँ आकर ही मुंडन कराया। अपना भद्र यहाँ चलवाया है तो भद्र धाम या इसलिए नेरा हुआ मुंडन हुआ, भद्र उतर गया। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে মস্তক মুন্ডন করেছিলেন আর ওই বকাসুর দেখতে পাচ্ছেন, বকাসুরকে বধ করে এখানে এসেছিলেন আর উনি মস্তক মুন্ডন করেছিলেন, তারপরে প্রসাদ বিতরণ হয়েছিল। কৃষ্ণ বলরাম মন্দির ইসকন বেঙ্গল জয়। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा सिनेस्टर साउंड होता है। कौन है सिनेस्टर साउंड? कौन है वो बाबा? देख लो ना कौन है, हमारे भाषा आज ना आपको समझ। यहाँ का पता नहीं उन्होंने बछड़े को मारा था ना, और यहाँ पे भंडारा किया था पाप में। मार छिलेन के नो प्रभु प्रभु ये कृष्णा है कृष्ण, उनका मुंडन हो रहा है। इसलिए मुंडन उन्होंने बछड़े का वध किया था ना, तो यहाँ पर उनका पाप उतार रहे और यहाँ पे भंडारा हुआ था बहुत बड़ा। ओशुर रूपी जे ये छिलो बासुर छिलो तखन गाबी गाबी रूपी असुर माने प्रायश्चित जाके बोला है। বধ করেছিল কাকে অসুর? অসুরের নাম কি? ও বৌলা বন वाला অসুর নাই, यहां पे 4 किलोमीटर दूर एक जगह है वहां पे वो असुर आया था। ऐसे बहुत सारे गुप्त नाम है। पानी महाराज बैठे हैं यहां पर।
जय शनि महाराज की जय। तो एखाने एखाने मंदिरेर जे महिमा बला हयेछे कृष्ण भगवान एखाने गाभी चराতেন আর কংসর অনুচর একজন অসুর এখানে গোবৎস রূপে এসেছিলেন এবং কৃষ্ণর সাথে যুদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণ ওই বকা ওই অসুরকে গোবৎস রূপী যে ছোট অসুর ওই অসুরকে মেরেছিলেন। তো মারার পর বধ করার পর বন্ধুরা বলছেন কৃষ্ণের উপাসকরা বলছেন যে তুমি তো গোহত্যা জনিত অপরাধ করেছো, ঠিক আছে, তুমি তো পাপ করেছো, তো সেই পাপের জন্য তোমার প্রায়শ্চিত করতে হবে। তো এইখানে এই স্থানে এসে আমরা যে মন্দির থেকে আসলাম এই মন্দিরে এসেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মস্তক মুন্ডন করেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত যাকে বলা হয় আর কি। তো এই স্থানে প্রায়শ্চিত্ত রূপী মস্তক মুন্ডন করেছিলেন বলে এখানে এখানে মন্দির বিরাজমান। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। এটা হচ্ছে বৃন্দাবন পরিক্রমা, ব্রজমন্ডল পরিক্রমা, 84 ক্রোশ ব্রজমন্ডল পরিক্রমা। আর কোন দর্শন নেই? সামনে একটা মন্দির আছে দর্শন। ওটা কিসের মন্দির? কন্ট্রোল করতে পারবো না তুমি। তারপরে বান্দরবনে গিয়ে বান্দরবনে দর্শন। কৃষ্ণ তো আমি ওকে বুঝেছি, কৃষ্ণকে কালকে বুঝেছি। ওটা আপনারা দয়া করে যাবেন না কেউ, এই বনের মহিমা শ্রবণ করুন। लेकिन अब कितना देर तक रोते रोते अंत में बाबा का अंत्येष्टि संस्कार के लिए शरीर तो चाहिए। तो कहीं पानी में डूबा होगा था, बहकर कहीं गया होगा। तो भगवान रोते रोते कृष्ण कहे कि समझाए ब्रजवासियों की, आप चिंता मत कीजिए, शरीर तो नहीं है लेकिन मैं शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। मैं जाता हूँ शरीर लाने के लिए कि अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि करना होता है ना, पुत्र का कर्तव्य होता है मृत शरीर को अंत्येष्टि संस्कार। तो उसके लिए भगवान उसमें प्रवेश किए, मरा हुआ शरीर लाएंगे तभी ना अंत्येष्टि होगा ना। सुन, अग्नि को समर्पित किया जाता है और विकृत हो तो जो कृष्ण प्रवेश किए तो खोजते खोजते पता लगाते लगाते वरुण लोक में चले गए। उनको पता लगता गया कि कहाँ कहाँ कैसे वरुण लोक में गए। तो वरुण लोक की क्या अवस्था थी, वरुण देव खूब बढ़िया से तैयारी किए थे, अपनी तो नगर को तो सजाए ही थे और देवताओं को इनवाइट किए थे कि आशा थी कि भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे। तो भगवान वहाँ वरुण लोक में पहुंचे तो सभी देवता लोग बढ़िया से स्वागत कर, वरुण उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और देवताओं को बुला दिए थे। भगवान आए तो खूब बढ़िया से स्वागत, विविध प्रकार के नृत्य हो रहा था, गीत गा रहे थे लोग,
और ऊपर से देवता लोग होते हैं, पुष्पों की वर्षा चारों तरफ हो रहा था और नंद बाबा वहीं थे, वो सब देख रहे थे कि हम, वो तो समझते थे कि हमारा एक सामान्य पुत्र है, ग्वाला है कि हमारे सेवकों से गलती हुई कि आपके पिताजी को अरेस्ट किया, लेकिन भगवान मेरा सौभाग्य है कि आपका चरण आपके पिता, पहला तो सौभाग्य है कि आपके पिताजी का चरण हमारे घर में पड़ा आप आए, खूब बढ़िया से स्वागत किए और वहां पर स्त्रियां थी भगवान का खूब बढ़िया श्रृंगार किया, तो उन लोगों ने रत्नों से आभूषणों से श्रृंगार किया था। ब्रज में वृंदावन की गोपियां जब कृष्ण को सजाती हैं तो फूलों से सजाती हैं, वरुण लोग की स्त्रियां थी वहां की नवजुवतियां थी, तो उन्होंने कृष्ण को खूब बढ़िया से सजाया रत्नों से, मतलब कि सोना चांदी हीरा इससे बढ़िया, मतलब कि कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन प्रपौत्र बजराभ ने किया हुआ था। तो संक्षेप में वहां की यहाँ यह जो हम लोग तट पार किए जमुना जी को, हम पहले पार वृंदावन आए थे शुरू शुरू में बचपन में ही, केसी घाट के आसपास कुछ देखे कि बंगाली स्त्रियां बूढ़ी स्त्रियां वहां कुछ कर रहे, तो मैं भी ऐसे कुछ ऐसे पानी लेकर तो क्या जमुना जी का पानी लेकर छिड़, जमुना रे जल है अमृत समान, श्रद्धा करी करो भाई ए जल पान, बंगला समझ, जमुना रे जल है अमृत समान, श्रद्धा करी करो भाई ए जल पान, तो जमुना जी का अमृत के समान है जल, तो हम लोग पार किए और भद्र वन है, हम भद्र वन की भी संक्षिप्त कथा बता देते हैं। भगवान यहाँ वत्सासुर का उद्धार किए थे, जिस समय भगवान अभी काफ बाछरू गोप गायों के जो शिशु छोटे बच्चे होते हैं उनको चरा रहे थे, बछड़े को चरा रहे थे, तो जिस एक दिन भगवान यहाँ भद्रवर में को चारण कर रहे थे तो एक असुर था, वह असुर क्या किया कि भगवान को मारने के लिए कैसे मार सकते हैं, तो पहले उसे पता था कि बहुत लोग आए तो लोग मारे गए, तो वह एक बछड़े का रूप बना लिया, असुर था उसमें योग शक्ति थी, एक बछड़ा बन गया, इस आशय से जब कृष्ण बछड़े के प्रेम करते ही आएंगे तो कैसा ऐसा घास मर कर सिंह से पेट में ऐसे मर्मशाल पर मार दूंगा मर जाएंगे, तो बच्चा है सिंह से प्लान बना लिया कि पेट में इधर उधर मार, पीठ में मारने से तो सस्ता दोनों सिंह से मार दूंगा मर जाए, तो किसी तरह भगवान को पता लग गया तो भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको मार दिया, तो वह भगवान की लीला मतलब वत्सासुर के वध की लीला यहीं पर हुई थी, और इसी के कारण भगवान वत्सासुर का वध की तो ब्रजवासी लोग बहुत चिंतित थे, माँ यशोदा बहुत चिंतित थी कि हमारे बच्चे से गाय की बाछड़ू की हत्या हो, तो तीर्थों में स्नान करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, उसी के लिए भगवान ने अपने मन से प्रकट किया था मानसी गंगा को और उसी में भगवान स्नान किए थे, तो उससे उनका, क्योंकि तर्क दिया गया कि चाहे कुछ भी वो असुर था लेकिन फिर भी जिस समय उसका शरीर मृत्यु हुई वो शरीर एक गाय का था बछड़े का था, इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप कृष्ण पर लगा, तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, उसमें स्नान किया, तो वो सब जो दैत्य था अपने पूर्व जन्म में मूर नामक एक असुर है, मुरारी कृष्ण को कहते हैं, मूर को एक असुर भगवान विष्णु ने मारा था इसलिए मुरारी नाम है, तो मुरारी का मूर का पुत्र था, उसका नाम था प्रमिल, असुर था राक्षस था,
तो एक दिन क्या किया कि घूमते घूमते टहल रहा था तो वशिष्ठ जी के आश्रम में चला गया। वशिष्ठ जानते हैं, वशिष्ठ जी के पास काम धेनु थी, काम उस गाय के दूध का ऐसा प्रभाव था कि यदि कोई व्यक्ति एक बार भी दूध पी लेगा तो उसे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, कहीं पर झुरी नहीं रहे, झुरियां नहीं रहे, बाल यदि सफेद हो गए हैं तो काले हो जाए, एक बार दूध पीने का प्रभाव था। उसके पास नंदिनी नाम की गाय थी। प्रमिल समझ गया कि गाय का महत्व कितना महत्वपूर्ण गाय है। असुर था, उसके मन में इच्छा थी कि किसी न किसी तरह से इस साधु से गाय को लेना चाहिए। तो क्या उपाय करे, जबरदस्ती करेगा तो ब्रह्म श्राप देकर दग्ध कर देंगे। तो युक्ति निकाला है। एक ब्राह्मण के भेष में सज गया, ब्राह्मण का भेष समझ, धोती पहन लिया, द्वादश तिलक कर लिया, कंठी बांध लिया, ऐसे ब्राह्मणों का भक्तों का रूप होता है, कुर्ता नहीं चादर ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा पेट निकला रहता है। ब्राह्मण के भेष गया और कहा कि हे महात्मा जी, वशिष्ठ जी, मैं एक दीनहीन विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, यज्ञ करने के लिए घी की आवश्यकता पड़ती है, तो कृपा करके अपनी गाय दान में दीजिए। वशिष्ठ ब्राह्मण है और जानता था कि वशिष्ठ जी नकार नहीं सकते थे याचना करने पर, और वो ऐसा था भी। वशिष्ठ जी अपने योग शक्ति से समझ गए, वो भी समात्मति कौन व्यक्ति, जान गए कि यह असुर है, ब्राह्मण का भेष बनाकर गाय की याचना कर रहा है। लेकिन साधु थे, महात्मा, शील स्वभाव, क्षमा की याचना, तो क्या कहे, चुपचाप लगा गए। जान गए कि असुर है, गाय मांग रहा है। ब्राह्मणों का, भक्तों का एक शील होता है, वो चीटिंग कर रहा है, स्पष्ट मन को धोखा दे रहा, वंचित कर रहा है, लेकिन मौन क्या बेचारे का। लेकिन नंदिनी जो गाय थी वो भी समझ, नंदिनी से नहीं रहा गया, उसने श्राप दिया। मुनीनाम गाम समाहर्तुम भूत्वा विप्र समागतः। अरे तुम विप्र बनकर, विप्रम भूत्वा, ब्राह्मण का भेष बनाकर तुम मुनि साधु महात्मा का गाय चुराने के लिए, उनसे अपहरण, उनसे लेने के लिए आए हो, ट्रिक कर रहे हो। दैत्योशी, तुम दैत्य हो। मुरजस, तुम मूर के पुत्र हो, मूरज हो। तस्मात, इसलिए गो वसो भव दुर्मते, हे दुर्मते, तुम गाय हो जाओ, बछड़ा बन जाओ। ओ बेचारा अपना प्लान बना कर आएगा, हमको लाभ होगा, ऐसा गाय मिलेगी, दूध पीऊंगा, हमारा रोग दुख। अब उल्टे में मिल गया उसको सांप। दैतोषी मूरज, मूर के तुम पुत्र हो, तस्मात, इसलिए गोवत्सो भव, हे दुर्मति, तुम गोवत्स बन जाओ, गाय का बछड़ा बन जाओ। तो बेचारा उसका तो किस लाभ के लिए, राज परिवार में, असुर परिवार में जन्म हुआ था, राजकुमार था वो, तो बड़ा पछताने, अब क्या हम गाय बनना पड़ रहा, बछड़ा पे। तो झट से वशिष्ठ जी का पैर पकड़कर रोने लगा, वशिष्ठ जी का पैर पकड़कर अब तो रोने लगा। अब वशिष्ठ जी क्या करें, वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा, चूंकि अब सांप मुंह से निकल चुका है कि नंदिनी के, तो उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता, परंतु बस बनोगे लेकिन तुम्हारा सौभाग्य होगा, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे, तुम भगवान को देख सकोगे, भगवान का स्पर्श कर सकोगे, और तुम्हारा निवास ब्रजभूमि में होगा, इस क्षेत्र में होगा, वृंदावन की। तो वही प्रमिल नाम का दैत्य, प्रमिल वही बना था, बछड़ा बना था,
और इसी वन में भगवान ने उसका उद्धार किया था, जिस वन पूर्वी तट पर है। हरे कृष्ण। आज भक्तों में मैंने अतिशय धैर्य भी है, एकदम पट्टी साफ एकदम सफेद बिखा हुआ, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठ। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ जो पीछे आए हैं उनसे। मैं नंद बाबा की कथा बता रहा था, तो आप लोग मैंने नंद बाबा की जो कथा नहीं सुने नंदघाट की, नंद के, तो वो एक कृपा करके कुछ संकेत करें। अच्छा है कि हाथ उठाए जो लोग नहीं सुने, आपने नहीं सुना, जो नहीं सुनने हैं उनको हम नहीं अच्छा पीछे कुछ लोग तो मैं 5 मिनट में फिर से वो नंद घाट की कथा कहता हूँ। हम संक्षेप में यह है कि भगवान तृतीया से नवमी तक क्या किए थे, गिरिराज को उठाए थे, दशमी को इंद्र क्षमा याचना किए थे, और एकादशी को नंद बाबा क्या किए, उपवास किए थे। तो नंद बाबा उपवास किए थे और रात्रि जागरण किए थे, तो द्वादशी को स्नान करने के लिए एकदम भोर में 1 बजे चाहे 1:30 बजे चाहे 12:30 बजे ही निकल गए। यहाँ जमुना जी में आए, अपना जो वस्त्र लाए थे, धुले हुए वस्त्र लाए थे, स्वच्छ वस्त्र लाए थे, उसको नंद बाबा ने बालू पर रख दिया, सूखे बालू पर, और नंद बाबा प्रवेश किए जमुना जी में स्नान करने के लिए। तो उस समय वरुण के सेवक थे जो पानी के अधिष्ठात्री देवता हैं, अधिष्ठाता देवता हैं, उनके अनुचर उनके सेवक उनको अरेस्ट कर लिए, क्योंकि नंद बाबा असमय में जिस समय पानी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जलाशय में नहीं प्रवेश करना चाहिए, उस समय प्रवेश किए थे, तो उनको लेकर वरुण लोक को ले गए। तो वहां पर वरुण जी ने नंद बाबा को सम्मान से रखा, बढ़िया से रखा, इस आशय से कि भगवान के पिता यहाँ आ गए हैं, हमारे सेवकों ने उनको अरेस्ट करके लाया है, तो खोजते खोजते अवश्य भगवान भी आएंगे, कृष्ण आएंगे, तो उनकी उपस्थिति के कारण मेरा घर, मेरा धाम, मेरा महल पवित्र हो जाएगा। इधर ब्रजवासी लोग जगे, नंद बाबा को ढूंढने लगे, देर हो रहा है, पारण का समय था, द्वादशी था, नंद बाबा नहीं आ रहे हैं, तो ढूंढते ढूंढते सभी ब्रजवासी, नंद माँ यशोदा भी आ गई, कृष्ण आ गए, बलराम आ गए, उपनंद, सभी गोपियां भी आ गई, ढूंढते ढूंढते जब यहाँ आए तो उन लोगों ने देखा कि नंद बाबा के धुले हुए वस्त्र जमुना जी के तट पर रखे हुए हैं, और उनके पद चिन्ह फुट प्रिंट से स्पष्ट पड़ता था कि नंद बाबा एक पैर दूसरा पैर करके जमुना जी में प्रवेश किए हैं, परंतु लौटने का कोई चरण चिन्ह नहीं था। तो ब्रजवासी लोग सब लोग समझ गए कि हो न हो नंद बाबा पानी में प्रवेश किए हैं और उसे निकले नहीं है, इधर वह दिख नहीं रहे, हो न हो उनकी मृत्यु हो गई। अब सब लोग रोने लगे, क्रंदर सही ब्रजवासी रो रहे थे, कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण छाती पीट पर रो रहे थे, लोट लोट कर रोने लगे सब ब्रजवासी, माँ यशोदा की क्या दशा हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। इन्हें हाँ बहुत देर तक रोते रहते, भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता, अब तो हो गया तो हो गया, मृत्यु तो हो ही गई, मैं प्रवेश करता हूँ पानी में, मैं खोज लाऊंगा पिताजी का शरीर, अंत्येष्टि संस्कार हम लोग कर लेंगे। तो उसके लिए भगवान पानी में प्रवेश किए, भगवान प्रवेश किए तो भगवान तो जानते ही थे अपने योग बल से पानी का सहारा लेकर जमुना जी का वरुण लोक में पहुंच गए। वहां वरुण लोक में क्या हुआ था कि वरुण देवता या उनको विश्वास हो गया था कि भगवान अवश्य अन्वेषण करते हुए यहाँ आएंगे, तो पहले से खूब स्वागत की तैयारी किए थे,
और भी देवताओं को बुला लिए थे। जब भगवान आए तो विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे थे, संगीत हो रहा था, नृत्य हो रहा था, ऊपर से देवता लोग हैं पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। भगवान का खूब मनोयोग पूर्वक स्वागत किए और ये सब नंद बाबा देख रहे इसी बात स्वागत के होकर भगवान को लौटा दिए। बड़े सम्मान के साथ वरुण जी यहाँ पहुंचाए, उसी समय बहुत उपहार भी दिए थे नंद बाबा को वरुण देव। और भगवान को वहाँ की युवतियों ने, वहाँ की स्त्रियों ने, वहाँ की लड़कियों ने खूब बढ़िया श्रृंगार किया था। आप लोग जानते हैं वृंदावन में गोपियां श्रृंगार करती हैं, माँ यशोदा श्रृंगार करती हैं, पर फूलों से सजाती हैं, परंतु वरुण लोक की स्त्रियों ने भगवान को रत्नों से, विविध प्रकार के आभूषणों से सजाया था। तो भगवान आया इनको लेकर, नंद बाबा को लेकर आए, तो पहले तो सभी चारों तरफ लौट रहे थे, रो रहे थे, छटपटा रहे थे, लेकिन देहित उन्होंने देखा कि नंद बाबा आ गए और खूब बढ़िया वस्त्र पहने हैं, बहुत उपहार है उनके साथ, देवता लोग उनको पहुंचाने के लिए आए हैं, भगवान भी आ गए, तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो यह भगवान की लीला इसी घाट पर, पहले हम लोग जहाँ आए थे, जो पहला गाँव पड़ा, पहला नहीं अंतिम जो गाँव पड़ा जमुना जी हम लोग आज के रास्ते में, जमुना जी के उस तट पर, उसका नाम है भय गांव। और जिस स्थान पर नंद बाबा स्नान किए थे जमुना जी का, वह तट नंद